को वोट देंगे और चला शेर को वोट देंगे, पीपल्स पार्टी देंगे। हम इंशाल्लाह सराज उल्हक को वोट देंगे। इसको वोट देना, मुस्लिम नून को और पीपल्स पार्टी को। हमारा दिल्ली टूट गया है, हमने नहीं देना किसी को भी वोट। हर जो भी आया उसने लूट मार की है, इंशाल्लाह तो लब्बैक को देंगे। जो भी आता है ना, जो महंगाई करता है, हर काम मियां साहब के दौर में हुआ है, इसके दौर में तो कोई काम ही नहीं। वोट किसी को नहीं देना, वोट को पाड़ देंगे, इनको नहीं देना। देखें तो हम तो यही चाहते हैं कि कोई अच्छा बंदा आ जाए जिससे ये है कि मसाइल हल हो जाए। वोट नून लीग का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैसला पाकिस्तान का के साथ मौजूद हूँ मैं आपका मेज़बान यासिर अज़ीम। इस वक्त हम मौजूद हैं औलिया की धरती जिसे मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है, मुल्तान में। मुल्तान की सियासत ने हमेशा मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया है। यहाँ से पैदा होने वाले सियासतदानों ने मुल्क की बाग दौड़ तक संभाली हुई है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्तान के कुल कौमी असम्बली के 6 हलके हैं जिनको 2 शहरों के हलकों में तकसीम किया गया है, 2 सदर और 2 एक तहसील शुजाबाद और 1 तहसील जलालपुर पीरवाला। अगर हम आज बात करते हैं मुल्तान के हलका 149 जो कि शहरी पहला हलका है, इंतहाई शहर के जो इलाके हैं वो इसमें शामिल हैं, प्योर शहरी इलाकों का ये हलका है जिसमें मुल्की सियासत के नामवर जो सियासतदान हैं वो इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनमें सबसे पहले मखदूम जवेद हाशमी, वो भी इसी हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा दीगर सियासतदानों में जहांगीर तरीन की भी इस मरतबा इंट्री हुई है। इसके अलावा बात करते हैं आमिर डोगर और मुस्लिम लीग नून के शेख तारिक रशीद भी इसी हलके में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें वोटर्स की तो कुल जो आबादी है ज़िला मुल्तान की वो तकरीबन 50 लाख है जिसमें से 31 लाख यहाँ मर्द और ख़वातीन वोटर्स मौजूद हैं और इस इलाके में जो आबादी है वो तकरीबन 9 लाख है लेकिन जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 5.5 लाख है। इन 5.5 लाख में से जो ख़वातीन वोटर हैं उनकी तादाद 5 लाख में से जो है वो 2,55,000 है जबकि जो मेल वोटर्स हैं मर्द वोटर हैं उनकी तादाद 2,72,000 है। नाज़रीन हम मौजूद हैं मुल्तान के हलका 149 में, आइए अवाम से या इनके यहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे पूछते हैं कि इस मरतबा जो इलेक्शन आने वाला है वो अपना वोट किसको कास्ट करेंगे, किस जमात को वो बेहतर समझते हैं और किस जमात को किस बुनियाद पर वो वोट कास्ट करेंगे, आइए उनकी ज़बानी उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, क्या अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन आने वाला है तो आप किसको वोट देंगे और क्या समझते हैं कि कौन सी जमात ज़्यादा काबिल है वोट के? सर ये इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे, यही काबिल है क्योंकि 5 सालों में जो हमारे साथ हुआ ये हमें पता है और इंशाल्लाह शेर को वोट दिया जाएगा। पीपल पार्टी को भी नहीं देंगे ना ही तरीके इंसाफ को देंगे। अच्छा जी आप बता दें कि वोट आ रहे हैं, आपने किसको वोट देना है और क्यों वोट देंगे? सर इलेक्शन देंगे हम तो वोट देंगे तो पीपल्स पार्टी देंगे क्योंकि हम सहूलत वो है सखर के, हम रहने वाले गरीब बंदे सैलाब का जगह इधर आए फिर भी इधर रोजगार नहीं है, हमें सोचा था पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देंगे? वो फिर भी हमारे लिए बेहतर है, हमने कुछ ना कुछ देती तो इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन हैं, अगले माह इलेक्शन हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि किसको वोट देना चाहिए और आप किसको वोट देंगे? हम इंशाल्लाह सराज उल्हक को वोट देंगे, हम चाहते हैं मुल्क में इस्लामी निज़ाम हो, सबको आजमा के देख लिया है कोई हल नहीं है किसी चीज़ का, हल सिर्फ जमात इस्लामी इंशाल्लाह। अच्छा तो जमात इस्लामी को आपने कहा कि वोट देंगे को, तो उनका मंशूर क्या है और वो मतलब किस बेस पे आप जमात इस्लामी? हम चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम आए मुल्क में, ज़रा सुकून हो, लोग दीन की तरफ आए तो मज़ीद तो कोई भी इस्लाम की बात नहीं करता, ये हैं लोग चलो मौलवी टाइप लोग हैं, अच्छे लोग हैं। नाज़रीन ये इस्लामी निज़ाम के लिए वोट कास्ट करेंगे, मेरे साथ एक और मौजूद है शायद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा इलेक्शन आ रहे हैं, वोट आ रहे हैं, आप किसको वोट देना है? मुस्लिम नून को और पीपल पार्टी को। आप दो जमातों को वोट देंगे? जी इंशाल्लाह। वोट तो एक होता है, जो भी आए जी, ये मुस्लिम नून आए या पीपल पार्टी आए। आपने जो गुज़श्ता इलेक्शन था उसमें किसको वोट कास्ट किया? हमने क्या नाम है नवाज शरीफ को करा था हमने, इस मरतबे नून लीग को इंशाल्लाह। मेरे साथ मौजूद है एक यहाँ पे दुकानदार रेडी पे, इनसे बात कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बता दें कि इलेक्शन आने वाले हैं तो इस मरतबा आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह सर देखें हमने हर किसी को देकर देख लिया, कोई भी जो है ना हमारे मुताबिक नहीं उतरा, हर जो भी आया उसने लूट मार की है, इंशाल्लाह तो लब्बैक को देंगे।
अच्छा, इस मरतबा लबैक को वोट देने का, पिछली मरतबा किसको वोट दिया था, इस मरतबा लबैक को देने की वोट की क्या वजह है? वो ये वजह है, पहले तो हम जो है ना नून लीग के साथ थे, नून लीग को वोट दिए बहुत मरतबा। रक्शे वाले ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि वो इस मरतबा अपना वोट किसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इलेक्शन है तो आप इस मरतबा किसको वोट दें? सर अभी तो हमारा कोई इरादा नहीं है किसी को वोट देने का भी। देखो ना, जो भी आता है ना जो महंगाई करता है, फिर कहते हैं अभी हम आएंगे ना फिर हम कुछ बेहतरी करेंगे, करते तो कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ को भी देखा हुआ है और जो पीपल पार्टी है ये इनको भी देखा हुआ है, अभी सबको तो देखा हुआ है इनको, ये देखे हुए तो हैं वही, फिर यहाँ से इकट्ठा करके माल बाहर के मुल्क में ले जाते हैं सब। मतलब आपने किसी को वोट नहीं देना? हमने किसी को भी वोट नहीं देना है। सर इलेक्शन आने वाले हैं तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी जमात वोट के काबिल है और आप किसको वोट कर? पहले तो हमें देख चुके हैं कितने सालों से यही यूज़ यही चले आ रहे हैं, यही लूटते चले आ रहे हैं, तो वही बेस्ट नज़र आ रहे हैं फिलहाल तो। जी नाजरीन, इस वक्त आप जानते हैं कि हम 149 में मौजूद हैं और यहाँ पे जो शहरियों की राय, वोटर्स की राय ले रहे हैं कि उन्होंने इस इलेक्शन में किसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करना है, किस जमात को वोट देना है। तो अब वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आके मज़ीद शहरियों से मज़ीद इलाकों में जाके उनसे बात करते हैं। वोट बनता सिर्फ इस टाइम तहरीक लबैक है। बता दें कि इस मरतबा वोट किसको देंगे आप? देख लेंगे, अभी इरादा बहरहाल तो नहीं बनाया, अभी कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा जो आजमाया ना हो। क्या वजह वोट क्यों किसी को नहीं? हमारे लिए कोई भी नहीं है, हम अपना कमाते हैं अल्लाह की दास पे, बस किसी को वोट नहीं देना। किस जमात को वोट देंगे? पीटीआई को। क्यों वोट देंगे? शेर मियां नवाज शरीफ, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, इन्हें हमें फेल कर दिया बिल्कुल। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के हलका 149 के एक इंतहाई मसरूफ इलाके में। गुलगश्त का ये इलाका है, तकरीबन इस हलके का ये मेन इलाका है, बहुत बड़ी बाजार है, बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पे ताजर कम्युनिटी भी बहुत है और इस हलके का जो एक अच्छा खासा वोट बैंक इसी बाज़ार में, इसी मार्केट, इसी इलाके में मौजूद है। आइए यहाँ के ताजरों से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस मरतबा जो इलेक्शन है उसमें वो अपना वोट किसको कास्ट करने का सोच रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है। आज अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, वोट आ रहे हैं, इलेक्शन का दिन करीब आता जा रहा है, तो किसको वोट देंगे और क्या रीज़न है, किस जमात को वोट देना पसंद कर रहे हैं? इन सबको तो जमा ली है, इनमें से तो बस हर बंदा अपने मफाद के लिए है, वोट बनता सिर्फ इस टाइम तहरीक लबैक है। अजी अस्सलाम वालेकुम, खान साहब ठीक है? शुक्र अल्लाह। बता दें कि इस मरतबा वोट किसको देंगे आप? देख लेंगे, अभी इरादा बहरहाल तो नहीं बनाया, अभी वोट करने के हो सकते हैं, इंशाल्लाह इस दफा लगा देगा, कोशिश कर लेगा ना। अभी सोचा नहीं है कि किसको वोट देना है, कौन अच्छा है मुल्क के लिए, इलाके के लिए, हलके के लिए? तो इंशाल्लाह इस दफा तो मैंने इरादा किया था नवाज शरीफ को दे देगा और सपोर्ट भी मैं इसके साथ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। थोड़ा सा बता दें, इलेक्शन आ रहे हैं तो किसको वोट दें? बात यह है कि हम अगर वोट देंगे भी सही ना तारीख लबैक को देंगे। चलेंगे ठीक है, ओके। ये भी एक और साथी थे, एक और शहरी जो कि तरीके लबैक का बोल रहे थे, तरीके लबैक को वोट देंगे। मैं आगे चलते हैं, मज़ार का रुख करते हैं, काफ़ी गहमा गहमी होती है इस इलाके में, यहाँ से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बता दें कि इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट किसी को नहीं देना। क्या वजह वोट क्यों किसी को नहीं? हमारे लिए कोई भी नहीं है, हम अपना कमाते हैं अल्लाह की दास पे, बस किसी को वोट नहीं देना। अजी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। जनाब इलेक्शन आ रहे हैं तो आपका ये हलका है बड़ा, तो इसमें आप किसको पसंद करेंगे, किसको वोट? वैसे तो अगर सही बात पूछी जाए तो कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा जिसको वोट दिया जाए, क्योंकि जितने भी ये आ चुके हैं सारे आजमाए हुए हैं, कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा जो आजमाया ना हो। अब हमारा जो हलका है इसमें नून लीग के वही बंदे हैं जो पहले आ चुके हैं, पीटीआई के वही बंदे जो पहले आ चुके हैं, फिर पार्टी के वही बंदे जो पहले आ चुके हैं, अब एक नया बंदा आया जहांगीर तरीन, वो अभी इस हलके में अभी तक इंटर नहीं हुआ, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि वो वहाँ से यहाँ इलेक्शन लड़ रहा है तो वो फिर वहाँ से यहाँ कैसे काम, हमें कोई इस बात की समझ नहीं आ रही। आप मेरे साथ मौजूद हैं दुकानदार, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अब वोट आ रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक आ गए, तो किस जमात को वोट देंगे? पीटीआई। अच्छा, इसके अलावा गुज़श्ता आपके हलके में पीटीआई के आमिर डोकर साहब कामयाब हुए, तो कुछ तरक्याती काम भी करवाए उन्होंने जिस बेस पे आप सोच रहे हैं कि उनको? हम मुतमईन हैं पीटीआई से। आखिरी फैसला पीटीआई।
भजन इलेक्शन आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, और क्या सोचा, किसको वोट? अभी कुछ नहीं सोचा, वोट देने का नहीं सोचा अभी, समय नहीं आ रही किसे दें, कोई एक है ही नहीं अपने पाकिस्तान को जो बना सके, चला सके, समय नहीं आ रही। इनसे बात करते हैं कि इनका भी अच्छा खासा वोट बैंक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, और तो क्या सोचे हुए, किसको वोट? वोट तो शेर को देना। अच्छा, शेर को, इस हलके में खास वजह को शेर को वोट? नहीं, ये हमारी हल्का ये है ना, है वो उधर कचहरी रोड पे, इस वजह से ये है ना कुछ काम करा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। भाईजान, इलेक्शन सर पे, इलेक्शन आ रहे हैं, तो किस जमात को वोट देंगे? और भाईजान, पीटीआई हमारी शुरू से वही जमात है, किसी और पिछले भी पीटीआई को? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा भी वोट पीटीआई को होगा और छोटा भी पीटीआई को होगा। इलेक्शन है, आपने भी सोचा होगा कि वोट देना चाहिए, वोट देना भी चाहिए, तो किसका सोचा हुआ, किस जमात को वोट देंगे, क्यों वोट देंगे? शेर शेर मियां नवाज शरीफ। मियां साहब को वोट देने की खास वजह? अच्छे आदमी, कारोबारी शख्सियत है, कारोबार चलेगा। इसके अलावा कुछ तरक्याती काम भी हुए हैं, मतलब मुल्तान में बड़े मेट्रो बनी है, हर काम तो तरीका मियाँ साहब के दौर में हुआ है, इसके दौर में तो कोई काम ही नहीं, कहीं नहीं, इसने डाकू चोर के अलावा दूसरा बात ही नहीं किसने। सर, ये वोट किसको देंगे इसमें? पहले तमाशा लगा, देंगे किसको वोट? किसको देंगे, किसको वोट दें, लेने का काम है तो आपकी मर्जी, आप तो वही कह रहे हूँ, जब एक पार्टी को आउट ही किए जा रहे हैं ये, तो वोट किसको दें फिर? तो आप नहीं समझ पा, किसी को वोट? दिमाग ही नहीं काम कर रहा, इन्हें हमें फेल कर दिया बिल्कुल। दूर गए, इनका यही कहना है कि हम समझ नहीं आ रही कि किसको वोट दिया जाए, लेकिन आ चुके हैं जो चार चार दफ़ा ले चुके हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान को खा लिया, जिस तरह मर्जी करिया उन्होंने, लेकिन अब उनका हक नहीं बनता। अब पीटीआई को आना चाहिए था, पीटीआई को ये उधर काटी जा रहे हैं बिल्कुल अलहदा, क्या सारे ने लह गएगी? मजीद NA 149 के किसी और इलाके में जाके मजीद बात करते हैं वहाँ के शहरों से, वहाँ के वोटर से, कि उनका रुझान किस तरह है, वो अपना वोट किसको कास्ट करेंगे, किसको वोट देंगे। सर, एक ही चॉइस है, एक ही बंदा है, आप सबको पता है, जिसका आप टीवी के ऊपर नाम ही नहीं चला सकते। इन तरह की कोई पार्टी नज़र ही नहीं आती भाई, कोई पार्टी नज़र आवे ना जेड़े सारे बारे सोचे। अभी देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह देखेंगे, देंगे गिलानी को। चलो, देना तो पीटीआई को था, लेकिन उनकी कारकर्दगी इतनी खास नहीं हुई, इंशाल्लाह नून लीग को देंगे भाई, वोट नून लीग का। हमारा दिल ही टूट गया है, हमने नहीं देना किसी को वोट। ये वोट किसको देंगे इस बार? वोट को पाड़ देंगे, इनको नहीं देना। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद वापसी हम आ गए हैं। अब इस मौजूद हैं मुल्तान के हल्का 149 के एक मसरूफ इलाके रशीदाबाद, ये भी काफ़ी मसरूफ इलाका है, काफ़ी वोट बैंक यहाँ है, और यहाँ से भी काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है हमें सड़कों पे। मज़ीद बात करते हैं इस हवाले से कि शहरियों का इस इलाके में वोट का जो रुझान है वो किस की तरफ है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो इस मरतबा अपना जो वोट है किसके पलड़े में डालेंगे, यहाँ से इस हल्के से कौन सी जमात मैदान मारेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा प्यारे भाई, बताइएगा कि इलेक्शन आने वाले हैं तो किसको वोट दें? सर, एक ही चॉइस है, एक ही बंदा है, आप सबको पता है, जिसका आप टीवी के ऊपर नाम ही नहीं चला सकते, पीटीआई। अच्छा, पीटीआई कोई खास वजह है को वोट? सर, सबसे पहली वजह तो ये है कि उसने हमें शऊर दिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं, मजीद बात करते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप बताइएगा सर, इलेक्शन आगे हैं, गहमा गहमी है, सियासी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं, तो वोट किसको देने गए रहते? कोई हालत तो इतना था, कोई प्रोग्राम कह नहीं, कोई ऐसी कोई अपना जिवे पिछले हालात ही गुजरे तो दिल ही नहीं करे था वोट कास्ट करने, हालत कोई प्रोग्राम कोई नहीं इतना भाई, सोचे बैठे पे के को वोट दो। अच्छा जी, आपने तो कह दे कि किसी को नहीं सोचा, सोचने इन तरह की कोई पार्टी नज़र ही नहीं आती भाई, कोई पार्टी नज़र आवे ना जेड़े सारे बारे सोचे। जे आपने सोचा है कि वोट किसको देना? ऐसे जेड़ा को याद है बैठे सर, रियल कजन है, मैं इन्हें पिछू वोट देना होने, जे ताक देने मैं उठा या जन कैन से सोची बैठे, नहीं नहीं देश हुआ जब सोचा कैन से। अजी नाजरीन, कुछ शहर ऐसे भी जिन्होंने अभी सोचा नहीं है, इस मरतबा किसको वोट देंगे? सर, इस दफ़ा तो सिचुएशन थोड़ी वाजह नहीं हो रही, वो ये जो सियासी गहमा गमियाँ हैं वो भी नज़र नहीं आ रही,
इस वक्त तो लोग जो है ना वो कन्फर्म नहीं है कि किस आदमी को वोट दें और किसको ना दें। अच्छा, इस हल्के की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जंगी तरीन साहब भी इस मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, जुवेद हाशमी मैदान में, आमिर डोगर हैं, नून लीग के भी उम्मीदवार हैं, फिर भी मतलब हल्के की अगर बात करते हैं इसमें की? मैं तो कहता हूँ ये सब लोग आजमाए हुए हैं, कोई नई चॉइस देखें, कोई नया आदमी देखें, नया आइडिया देखें, नए लोग देखें, ताकि हमारे मुल्क के अंदर चेंज आए। ये ना हो कि हम घिसे पिटे निज़ाम के साथ ही चलते रहें। ये निज़ाम अब हमें नहीं चाहिए, हमें वो निज़ाम चाहिए जो आइंदा नस्लों के लिए बेहतर तरक्की ला सके। हम इस वक्त मौजूद हैं रशीदाबाद के इलाके में, यहाँ पे भी काफ़ी तादाद में हमारी लोगों से बात हुई, शहरियों से बात हुई, तो मज़ीद इस हल्के के एक और इलाके में चलते हैं, वहाँ पर जानते हैं कि वो शहरी अपना जो उनका वोट का रुझान है किस तरह, वो अपना वोट किस को कास्ट करें। मौजूद हैं 149 हल्का है जो कौमी असम्बली का मुल्तान में, तो इस हवाले से शहरियों की राय भी जान रहे हैं कि वो वोट अपना किसको डाल रहे हैं, किसको वोट देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे इस मरतबा? देखेंगे, अभी देख रहे हैं आप? हाँ इंशाल्लाह देखेंगे, देंगे गिलानी को, मतलब पीपल्स पार्टी को वोट देंगे इंशाल्लाह। खास वजह पीपल्स पार्टी को बस हमारे शुरू से आ रहे हैं लीडर पार्टी के भी हैं, लोग मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ इधर मज़ीद ख़वातीन भी मौजूद हैं, कुछ मर्द हज़रात भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी इलेक्शन में कोई ना कोई जमात तो होगी जिसको आप वोट दें? हमारा दिल ही टूट गया है, हमने नहीं देना किसी को भी वोट। ख़वातीन तो बड़ी मतलब इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, तो किसी को भी वोट? इमरान खान होते तो उसी को वोट देते हैं, अब तो नहीं देना किसी को भी। नाज़रीन ख़वातीन थी, इनका भी एक अपना ओपिनियन होता है, काफ़ी तादाद में इस हल्के में ख़वातीन का वोट बैंक है, जो हम इनसे बात करते हैं। मज़ीद हमारे साथ कुछ, अस्सलाम वालेकुम। अगर इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या ख्याल है किसको वोट? इंशाल्लाह देना तो पीटीआई को था, लेकिन उनकी कारकर्दगी इतनी खास नहीं हुई, इंशाल्लाह नून लीग को देंगे। नून लीग को वोट देंगे? नून लीग की कोई खास उनसे उम्मीदें हैं या उनकी पिछली कारकर्दगी? पिछली कारकर्दगी के इस हल्के में नून लीग ने तरक्याती काम कराए जब वो जीते थे, उस टाइम करवाए थे, लेकिन जो काम है पीटीआई ने, आमिर डोगर ने करवाया हमारे, तो इस पर तो अभी इलेक्शन इंशाल्लाह, लेकिन वोट इनसे उम्मीद है कोई नहीं है, कोई वाबस्ता नहीं। इलेक्शन सर पे आ गए तो आप किसको वोट देना पसंद? इंशाल्लाह नून लीग को देंगे, बस बात वजह है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए, ये वजह काम मतलब इस हल्के के काम या मुल्की लेवल पे काम किए, मुल्की लेवल पे काम किए भाईजान, और लोग उन पर एतमाद करते हैं, और उन्होंने मजीद आने वाले वक्त में बहुत अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरियों की राय है उनका ये कहना है कि मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इलेक्शन में किसको वोट देंगे? मियां साहब को इंशाल्लाह। किसको? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। आप खैर को वोट देंगे, कोई वजह? वजह क्या, बस वही अच्छे लीडर हैं, ये हकीकत है। अजी बिल्कुल हम मौजूद हैं मुल्तान के हल्का 149 में, और शहरियों से उनकी राय का जो इजहार है वो जान रहे हैं कि उन्होंने किस इस मरतबा किसको वोट देना है, किस पार्टी को वोट कास्ट करना है। आइए उनसे जानते हैं, मज़ीद बात करते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी इधर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, इलेक्शन सर पे है, क्या सोचे किस पार्टी को वोट? वोट नून लीग का। अच्छा, खास रीज़न? कारोबार के लिए बेहतर रहते हैं ये लोग, और कारोबार को तरजीह देते हैं, जैसे कि पीटीआई है, इसने हमारे कारोबार को तरजीह दी, और हम चलते इसी कारोबार की वजह से है, और मैशियत हमारी चलती है, तो वो तरजीह देते हैं और आगे देंगे, और हम खुशहाल हम ज़िंदगी गुजारेंगे, इसलिए हम वोट नून लीग को देंगे। इस हल्के में नून लीग भी रही है, पीटीआई भी रही है, मसाइल भी हैं, तो मुतमईन है आपके मतलब नून लीग आएगी तो इस हल्के के जो मसाइल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम मुतमईन हैं, और वो आएंगे, अच्छा काम करेंगे दोबारा से, और हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकेंगे। जैसा कि आपके सामने महंगाई का बाज़ार कितना गर्म है, उसके बावजूद मौका मिलेगा, ट्रांजेक्शनें चलेंगी तो हमें मौका मिलेगा, पैसे हमें भी अच्छे मिलेंगे, बिजनेस अच्छा मिलेगा। आप किसको वोट दे रहे हैं? नून लीग को। अच्छा, आप भी नून लीग को वोट दे? हाँ जी बिल्कुल, नून लीग को वोट देंगे। ये चोर है, 1 करोड़ नौकरियाँ देगा, 50 लाख घर बनाएगा,
एक नंबर का फ्रॉडी है। एक साल के अंदर उसने मुल्क का नक्शा बदल देना था। आज तो काफ़ी टाइम हो गया है, हमने तो नहीं देखा, वही पुराना पाकिस्तान है। हम तो इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आ रहे हैं तो किसको वोट देंगे आप? भाई पीटीआई। बिल्कुल, इन्होंने भी कहा है कि पीटीआई को वोट देंगे। हमें कुछ बुजुर्ग भी शहरी नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस मरतबा अपना जो वोट है किसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे इस मरतबा? वोट को पाड़ देंगे, इनको नहीं देंगे, किसी भी जमात को नहीं देंगे, पाड़ ही फेंक देंगे। कोई वजह है? कोई ये थोड़ी वजह, वहाँ भूखी मर रही है और इतने टैक्स लगाए हैं, हर चीज़ पे मौत ही मौत ही, यहाँ सुकून है ही नहीं। कारोबार जैसे कारोबार है बाजार की, सन्नाटे में पड़े। बुजुर्ग कह रहे हैं कि इन्होंने किसी को वोट नहीं देना, किसी भी जमात ने आवाम की भलाई के लिए काम नहीं किया। तो वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, ब्रेक के वक्त फिर आके मुलाकात होती है। देखें, सारे सामने हैं, चाहे नून लीग वाले हैं, चाहे तहरीक इंसाफ है, लेकिन कोई काम नहीं करता। भाई जान, मेरा तो फिलहाल किसी को देने का इरादा नहीं है। वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को देंगे। देखें, को हम तो यही चाहते हैं कोई अच्छा बंदा आ जाए जिससे ये ऐसे मसाइल हल हो जाए। इस हलके में किसको जितवाना चाहेंगे? ये सारे चोर हैं। आप किसको वोट देंगे? मोहतरमा को। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं मुल्तान के कौमी असम्बली के हलका 149 में, और मुख्तलिफ जो यहाँ के जो मकामात हैं, इलाके हैं, वहाँ से हमने आपको बताया कि इस आने वाले इलेक्शन में, अंदर इलेक्शन में शहरियों की क्या राय है, वो किसको अपना अवामी जो नुमाइंदा है वो मुंतखब करना चाहते हैं। इस वक्त मौजूद हम मुल्तान के इसी हलके के एक इलाके फजूरी बाग रोड पर, और उसी रोड की ये सूरत हाल है, काफ़ी अरसे से ये टूट फूट का शिकार है, लेकिन इसको नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से ट्राफ का जो कारोबार है वो इतना मुतासर भी हो रहा है, और जिससे यहाँ के जो अहले इलाका भी परेशान है। ये भी एक हल्को इस हल्के के बड़े मसाइल में से एक मसला है। इसके अलावा दीगर सीवरेज के मसाइल भी इस हल्के में हैं, और मसाइल भी शामिल, जिनमें साफ पानी की फ्राहमी भी है। काफ़ी इस हल्के में मसाइल भी हैं, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं, गलियों का निज़ाम भी बेहतर नहीं है। लेकिन हम इस मौजूद हम हजूरी बाग रोड पे, यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं उनसे ये पूछते हैं कि कितने अरसे से ये रोड ख़राब है, और इस रोड के ख़राब होने से उनको कितनी मुश्किलात का सामना, जो गुज़श्ता यहाँ के जो उनके मुंतखब नुमाइंदे थे इस हवाले से किस किस्म के इकदाम किए। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं आप? ये बताइएगा कि ये 149 का हल्का है तो रोड भी टूट फूट का शिकार है, तो क्या आपके जो मुंतखब नुमाइंदे थे इस हवाले से उन्होंने काम नहीं किया, या आप किसको वोट दें? देखें, सारे तो सामने हैं, चाहे नून लीग वाले हैं, चाहे तहरीक इंसाफ है, लेकिन कोई काम नहीं करता। जब बस वो अपने वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। कितने 1.5 साल से तकरीबन हम लोग बड़े परेशान हैं, कारोबार भी हमारा ख़त्म है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है हमारे। रोड के अलावा इस हल्के के मज़ीद कौन से जो मसाइल हैं जो के नहीं किए गए, उनको हल नहीं किया गया, उनके लिए उनके हल के लिए इकदाम नहीं किए? हाँ, क्या क्या गिनती आप गिनवाएं आपको हम, क्या मसाइल, सारे मसाइल हैं, 1 to 1 ए से लेके और जेड तक कोई मसाइल हमारे हल नहीं हुए। मेरे साथ एक और शहरी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा, आप ये बता दें वोट किसको देंगे आप? भाई जान, मेरा तो फिलहाल किसी को देने का इरादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमें वोट देने ना देने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हम आज तक कभी कोई गली के काउंसलर के पास भी नहीं गए। आप ये देख लें, तकरीबन ये साल से 1.5 साल रोड ख़राब रहा है। इस रोड ने हमारा जितना बेड़ा गर्क किया है, ये हमारी सोच है या आपको शायद अंदाज़ा हो। और ये अब ये कंक्रीट इसको डले हुए तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, 1.5 महीना हो गया है, और लेकिन अभी तक ये रोड बनने को नहीं आ रहा। पता नहीं अल्लाह जाने कब बनेगा। जी आप बताइएगा कि वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को देंगे। जी नवाज शरीफ को वोट देंगे। जी आप बता दें कि रोड बहुत अरसा से ख़राब है, इस हल्के का बड़ा मसला है, कितने मसाइल? कारोबार देखने बैठे हैं, काम है नहीं, रोड की वजह से सारे परेशानी है। किसको वोट देंगे कि आपकी जो परेशानी हल हो जाए? नवाज शरीफ को। बिल्कुल, यहाँ लोग हैं जो नवाज शरीफ के मुतल्लिक कह रहे हैं कि वो वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका 149
हल्का इंतखाब है, तो इस मरतबा किसको वोट? इस दफ़ा जो भी होगा देखेंगे, अभी तक तो अभी नामजद नहीं हुआ है ना, देखेंगे जो बंदा मुस्तकिल आएगा तो देखेंगे। अच्छा, हल्के के बड़े बड़े मसाइल में से कौन सा आपको मसला नज़र आ रहा है? यहाँ ये रोड का ज़्यादा मसला है, पानी का मसला है, गटरों का मसला है, हर तरह की यही परेशानी है। महंगाई इतनी जोर की है जिसकी इंतहा नहीं, हर बंदा परेशान है। इस वाले से क्या समझते हैं कि कौन सी क़यादत है जो आपके मसाइल हल करें? देखें को हम तो यही चाहते हैं कि कोई अच्छा बंदा आ जाए जिससे ये है कि मसाइल हल हो जाए। आवाम के मसाइल इतने हैं कि हल करना आसान काम नहीं है। आपने सोचा है कि आप किसको वोट देंगे? किसी को नहीं देते भाई। आपने वोट किसी को? नहीं भाई, हम नहीं देते। एक और शहरी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब इलेक्शन आ रहे हैं तो किसको वोट देंगे? फिलहाल तो किसी को देने का मूड नहीं है। कोई वजह है वोट ना देने? वजहात ये है, हर बंदा आता है अपने मफादात के लिए, मफादात अपने के लिए है वो, कोई आवाम का कोई सहूलत का किसी चीज़ का वो नहीं करते। इस हल्के में जितने भी आज तक यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ, उन्होंने आवाम के मसाइल हल नहीं किए। करते तो वोट उसको देते, मसाइल अगर हल करते तो। जी नाजरीन, जैसे कि सुना यहाँ पे, तो मुझे इस रोड पे अक्सर यही नज़र आ रही है, अक्सर लोग शहरों का यही कहना है कि वो किसी को वोट नहीं देंगे। तो मज़ीद हम इस हल्के के किसी दूसरे इलाके में जाते हैं, वहाँ से पता करते हैं कि वहाँ शहरों का क्या कहना है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के हल्का 149 की एक और वाटर वर्क्स रोड पे, जो कि काफ़ी अरसे से ज़ेर तमीर है, लेकिन बहुत अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उसकी जो तमीर है मुकम्मल नहीं हो सकी। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको देंगे आप? शेर को देंगे जी। शेर को देंगे, क्यों वोट देंगे शेर को? बस जी क्या करें, हमारे बड़े उनको ही देते हैं, हम भी उनको देंगे। आपके जो हल्के के वो नू लीग? जी 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 जी। जनाब इलेक्शन आने वाले हैं तो क्या सोचा है कि किसको वोट देंगे? तरीके इंसाफ को वोट देंगे जी, कोई वजह है? तरीके इंसाफ को, बस वैसे अच्छा लगता है। लेकिन तरीके इंसाफ के वोटर्स हैं, हम बात कर रहे हैं हल्के की, तो हमारे साथ एक और शहरी आगे इनसे बात कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन सर पे है, आप इस हल्के में किसको जितवाना चाहेंगे? ये सारे चोर हैं, पाक फौज जिंदाबाद। कुछ शहरी हैं वो, उनका ये ख्याल है कि कोई मसले मसाइल हल नहीं किए जाते, इसलिए वो किसी को वोट नहीं देंगे। हमारा मकसद ये कि आवाम की राय नाज़रीन तक पहुंचाना है कि वो किस तरह सोच रहे हैं और उनका क्या ख्याल है कि इस जो इंदा इलेक्शन में किसको कामयाब कराया जाए, किस पार्टी को वोट दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब इलेक्शन सर पे हैं तो क्या ख्याल है, वोट किसको देंगे आप? वोट नून लीग के हैं, ये नवाज शरीफ के। अच्छा, नवाज शरीफ के वोट हैं, तो क्या कहेंगे कि नवाज शरीफ को वोट क्यों देंगे और इस हल्के के जो मसले मसाइल हैं वो हल क्यों नहीं हुए? मसले मसाइल ये ज़िंदगी के एक हिस्सा है, ये ऐसे निज़ाम चलते रहते हैं ये, मगर ये जो हुक्मरान हैं इनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, यहाँ जो काम होने वाले हैं होने चाहिए, वो वाम को तकलीफ़ ना होवे। आज दौर ही ऐसा, क्या कर सकते हैं, क्या किसी को कह सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप किसको वोट देंगे? मोहतरमा को। आप पीपल्स पीपल्स पार्टी जी? ये वोटो नजरियाती वोटर्स हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। इस हल्के में जब उनके नुमाइंदे मुंतखब हुए तो उन्होंने तरक्याती काम कराए थे, लोगों के मसाइल कराए? बहुत काम कराए जी, बहुत काम कराए, बहुत काम कराए यहाँ पर। अब हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होने का वक्त हो चुका है, तो हमने 149 के मुख्तलिफ इलाकों में जाके शहरियों से उनकी राय जानी कि वो अपना जो आइंदा इलेक्शन में अपने वोट को किस तरह कास्ट करेंगे, किस पार्टी को कास्ट करेंगे, किस नुमाइंदे को कास्ट करेंगे, वो किसको जितवाना चाहेंगे। हर शहरी ने अपने मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक बताया कि वो किसके हक़ में हैं, लेकिन उन सब का मकसद यही था कि जो भी मुंतखब नुमाइंदा उनका सामने है वो हल्के की बेहतरी के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सके, ताकि जो शहरियों के मसले मसाइल हैं वो भी हल हो सकें और जो पाकिस्तान में जो बुरानों का शिकार होता जा रहा है मुल्क, वो भी इन बुरानों से निकल सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान यासिर अज़ीम को इजाज़त दें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।